गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टॉप टेन सो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर्स में आपको बहुत बहुत वेलकम है एंड आप लोग कैसे हैं आई विश सब लोग अच्छे होंगे राइट right? तो आपका मेन एग्जाम तो ऑलरेडी फिनिस्ड हो चुका है जैसे कि आपको पता है एंड आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम बचा हुआ है उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस uh, मिले हैं जो कि आपको स्टडी करना है एंड उसमें से कुछ uh, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी uh, है आपके लिए हंड्रेड मार्क्स बेस्ड होता है सो तो आपको उसकी भी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से करनी होगी और आपको यहाँ पता है कि जैसे कुछ क्वेश्चन मिले हैं जिसमें स्टरलाइजेशन टेक्निक है प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम कैसे करते हैं सोल्यूशन ऑफ डीएनए है एंड फॉर्मेंटेशन टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एंड आपको इस वीडियो लेक्चर्स में आज, आज आपको स्टरलाइजेशन टेक्निक को बेसिकली कंप्लीट करना है सो so, मेरे साथ बने रहें एंड यहाँ पर आपको इसके फिजिकल एंड केमिकल मैटे दोनों ही पढ़ना है जिसमें हीट स्टरलाइजेशन पढ़ना है मोस्ट ही हीट स्टरलाइजेशन पढ़ना है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन पढ़ना है फिल्ट्रेशन पढ़ना है रेडिएशन पढ़ना है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें केमिकल आपका मेथड भी है केमिकल मेथड है उसको भी पढ़ना है ठीक है तो आज इस वीडियो लेक्चर्स में आपको फुली एंड फाइनली स्टरलाइजेशन टेक्निक पढ़ने के लिए मिलेगी सो so, चलिए लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है देन आप उन फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको नीड है जो एम एस के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आप उनको भी शेयर कर सकते हैं जो अभी मास्टर में है एम एस सी वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं मेरा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन टॉप टेन के ही नाम पे सो तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं एंड मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन एंड आपके डाउट सेशन भी लेती हूँ सो तो आप वहाँ पे मेरे साथ ऐड हो सकती हैं तो आज आपको देखना है स्टेलाइजेशन टेक्निक और ये डायग्राम जो बना हुआ है लाइब्रेरी इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको स्पायरल वाली जो कॉपी होती है उसमें सबमिट करना था कुछ इंस्ट्रूमेंट जिसको आपको जिसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी है तो आप चलिए आप इसको देख लेते हैं कि स्टेलाइजेशन टेक्निक बेसिकली होता है क्या इसमें कौन कौन सी मेथड अप्लाई कर सकते हैं ओके okay? पहले आपन किसी चीज़ का बेसिक इंट्रोड्यूस करते हैं सो आ चुके हैं क्योंकि आपका हिंदी मीडियम है सो मैं बाइलिंगवल ही आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगी अगर किसी कोई बच्चा स्टूडेंट या फिर इंग्लिश मीडियम का है सो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये लेक्चुअल्स तो यहाँ पे नसबंदी किसी भी जिसको स्टिलइजेशन कहते हैं यानी किसी भी वस्तु की सभी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी सूक्ष्म जीव होते हैं उसको रिमूव करना होता है यानी कि जैसे आप किसी चीज़ को फ्रिज में रखते हैं ना तो आपको लगता है ये काफ़ी टाइम तक चल जाएगा और वो चल भी जाता है बिकॉज़ वहाँ पर जब कोई हीट नहीं होता है तो हीट नहीं होने की वजह से कोई भी बैक्टीरिया वायरस को टच नहीं करते हैं एंड वो काफ़ी ज्यादा कूल कूल रहता है इसके अलावा उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ठीक है तो ये लाइब्रेरी इंस्ट्रूमेंट है एक प्रकार का और किसी भी मतलब कोई भी वस्तु है उसे सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप जब रिमूव करते हैं सूक्ष्म जीवों को हटा देते हैं ये दोनों में ही इंक्लूड है जिसमें बेजाणु आपका है स्पोर्स होते हैं और आपकी वनस्पति दोनों को ही इंक्लूड किया गया है ओके आपको इस लेक्चर्स को कुछ पॉइंट्स में समझना है इसमें सबसे पहले आपको इस्टरलाइजेशन का मीनिंग्स बताना है इसका मीन्स बताना है इसके बाद इसका क्लासीफिकेशन बताना है इसके बाद इसकी फिजिकल मैथड बताना है फिजिकल मैथड में आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया हीट स्टरलाइजेशन होता है एमोस्ट होता है एंड इसके बाद रेडिएशन होता है फिल्ट्रेशन होता है बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट है आपको कवर आउट करने ओके सबसे पहले आ चुके हैं इसका मीन्स जानने के लिए कि इसका मीनिंग क्या होता है जो स्टलाइजेशन है जिसको हिंदी में आप नसबंदी भी कह सकते हैं माइक्रो जो आपकी बायलॉजी होती है उसमें नसबंदी को किसी तरह या वस्तु से सभी प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं चाहे वो वनस्पति हो बीजाणु हो दोनों रूपों में पूरी तरह से हटा दिया जाता है यानी कोई भी जो जीवाणु होता है यानी कि कोई भी माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम होता है उसको पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं ठीक है इसमें सबंदी विभिन्न जो फिजिकल एंड केमिकल तरीकों से की जाती है दोनों तो ही विधियों से की जाती है ओके okay? अब यहाँ पे स्टरलाइजेशन सूक्ष्म जीवों के विकास को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे हार्मफुल हो सकता है कोई चीज़ डेड हो सकती है डिस्ट्रॉय हो सकती है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे आपका फ्रीजर होता है ना फ्रीज होता है तो आप क्यों चीज़ें रखते हैं ताकि वो एक मतलब ऐसे इन्वायमेंट रहे, मतलब में रहें कोल्ड मतलब वातावरण में जहाँ पर उनके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव इंटर ना करें और चीज़ें खराब ना इसीलिए तो आप फ्रिज यूज़ करते हैं घर पर ऑब्वियसली सबके घर में फ्रिज देखने के लिए मिल जाए जाता है, तो यहाँ पे स्टरलाइजेशन जो होता है सूक्ष्म जीव के विकास को रोकने के लिए किया जाता है जिससे कोई भी वायरस बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बढ़े ठीक है और चीजें वेस्ट ना हो ठीक है इसके बाद कीटाणुओं को अगर मारे बिना छोड़ दिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ठीक है तो यहाँ पे सूक्ष्म जीवों की केवल कमी होती है ना कि पूरी तरह से समाप्त हो जाना होता है ना स्टरलाइजेशन टेक्निक के थ्रू मतलब तो तो कुछ जैसे लाइब्रेरी इंस्ट्रूमेंट है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर जैसे हॉट एयर ओवन होता है ठीक है तो यहाँ पर स्टरलाइजेशन किसी भी वस्तु को सड़ने से रोकती है अब इसका क्लासीफिक इन्वेस्टिगेशन देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में जो स्टरलाइजेशन होता है अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल तरीके से की जाती है जैसे मैंने बताया कि दो प्रकार से वर्गित इसको क्लासिफाइड किया गया है जिसमें एक फिजिकल स्टरलाइजेशन एंड केमिकल स्टरलाइजेशन है फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन एंड केमिकल मैथड ऑफ स्टरलाइजेशन एक भौतिक विधि है एक रासायनिक विधि है ठीक है अब आगे की ओर देखते हैं भौतिक विधि में कौन सी आती है जिसमें तापवंदीकरण होता है हीट स्टरलाइजेशन होता है किसी चीज़ को हीट करके जैसे मैंने हॉट एयर ओवन के बारे में बताया था ना तो वो चीज़ें चीज़ें हॉट रखता है ना तो यहाँ पे जो हीट होती है उस्मा होती है हीट स्टरलाइजेशन स्टरलाइजेशन की सबसे ज़्यादा इफेक्टफुल मेथड है क्या है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टफुल मेथड कौन सी है ताफबंदीकरण जिसको आप हीट स्टरलाइजेशन कहते हैं ठीक है जिसमें कोशिका के जो कंपोनेंट्स होते हैं और एंजाइमों को नष्ट करके रोगाणुओं को ख़त्म किया जाता है किसको जो रोगाणु होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इंटर कर जाते हैं और साथ ही चीज़ों को नष्ट करते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ये भी दो तरीक़ों से होता है जो तापबंदीकरण होता है हीट स्टरलाइजेशन दो प्रकार से होता है बेसिकली इन दोनों को पढ़ने की ट्राई करते हैं सबसे पहला आपका नम ताप नसबंदी जिसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन क्या कहते हैं मोइस्ट हीट मतलब नम ताप मोश मोशर होता है जो नम होता है ठीक है तो नसबंदी के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है इसमें नम ताप नसबंदी एक उपकरण की मदद से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे आर्टोक्लेफ स्टरलाइजेशन कहा जाता है क्या कहा जाता है आर्टोक्लेफ की मदद से इस उपकरण को मतलब इस नसबंदी को यहाँ पे ऑटोक्लेव दबाव में भाप बनाने के सिद्धांत तो पर का, काम करता है इसका जो आपका स्टीम होता है ना तो अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो स्टीम बनता है इस प्रकार नम ताप नसबंदी को भाप नसबंदी के नाम से यानी कि स्टीम जो होता है स्टर्लाइजेशन इसके नाम से जाना जाता है पानी को ऑटोक्लो क्लेव में फाइव पी के दबाव पर वन uh, ट्वेंटी uh, से 134 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल किया जाता है इसके बाद uh, क्या होता है कि सूक्ष्म जीव में प्रोटीन जम जाता है और वो प्रभावी रूप से मर जाते हैं क्योंकि अगर प्रोटीन की कैपेसिटी ज़्यादा हुई तो वहाँ पे जो uh, बैक्टीरिया हैं सूक्ष्म जीव है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन हावी हो जाता है ठीक है तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है प्रोटीन की uh, कैपेसिटी का ज़्यादा होना दूसरी आपकी ड्राई जो स्टरलाइजेशन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होती है यानी सूखी गर्म स्टरलाइजेशन। इस टेक्निक का यूज़ उन वस्तुओं पर किया जाता है जो नमी के प्रति संवेदनशील होते हैं यानी नमी रहित जो मॉइस्चर रहित होती है ड्राई होती हैं ठीक है तो इन वस्तुओं को प्रोटीन का विकृतिकरण करते हैं और उसके बाद प्रोटीन का विघटन होता है जिससे क्या होता है ऑक्सीडेटिव जो क्षति होती है वो रह जाती है इसके बाद आप थर्ड पॉइंट पे क्या करते हैं छानने का काम फ़िल्ट्रेशन करते हैं किसी चीज़ को छानते भी हैं तो यह माइक्रोबायोलॉजी में स्टलाइजेशन की एक यांत्रिक विधि है और इस विधि में तरल को छानने के लिए मतलब जो आपका तरल होता है लिक्विड मटेरियल होता है उसको आप फिल्ट्रेट करने के लिए छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन पर झिल्लीदार फिल्टर का उपयोग किया जाता है ताकि सभी बड़े कण जितने भी बड़े कण होते हैं वो आराम से मतलब कण और सूझ में उसमें से ना गुजरे यानी कि ये तीन इसके लिए चरण होते हैं तीन स्टेप्स हैं जैसे छलनी हो गई आ, सोखना हो गया फिर उसको उसके बाद फसाना होता है तो ये तीन पॉइंट होते हैं इसके बाद आपको रेडिएशन पढ़ना है रेडिएशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सतहों या वस्तुओं को रोगाणु रहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो विकरण हो उसके संपर्क में लिया जाता है ये जो आपका रेडिएशन होता है ये दो प्रकार से होता है एक आपका होता है गैर आयनीकरण यानी कि जो नॉन यहाँ पे परावैग्निक विकरण वस्तु पर पड़ता है जिससे सूक्ष्म जीव में न्यूक्लियट एसिड द्वारा अवशोषित किया जाता है किसमें पड़ता है जो आपकी रेडिएशन होती है आइनिफिकेशन होता है जो नॉन आइनिफिकेशन होता है उसमें परावैग्निक जो विकरण होती है वस्तु पर पड़ता है आपकी जो रेडिएशंस होती हैं वो वस्तु पर पड़ती हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसके द्वारा ऑब्जर्व कर लेते हैं इसमें डीएनए एन स्टैंड के पायरीमिडीन डिमर्स का निर्माण होता है जिसका डीएनए एन स्टैंड का जो मै होता है एक पायरिमिडीन होता है फिरािडीन होता है इसमें डिमर्स का निर्माण होता है जो प्रतिकृति जो रेप्लिकेशन होता है उसकी त्रुटि का कांड बनता है और सूक्ष्म जीव मर जाता दूसरी आयनीकरण रेडिएशन जो होती हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे आयनिफिकेशन यहाँ पे गामा किरणें एक्स रे जैसी आईनी विकड़ों के संपर्क में आने पर जो हाइड्रोजन पैरा होता है और सुपर ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन प्रजातियाँ बनती हैं वो सूक्ष्म जीव के एक कोसी घटकों को आक्षीकृत कर देती हैं ठीक है ठीके? और वे मर जाते हैं ऑक्सीडाइज हो इसमें साउंड वेव वाइब्रेशन होता है ध्वनि तरंगे जो कंपन होता है ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें ट्वेंटी टू फोर्टी के एच जड आवृत्ति वाले सेनेक्स जो सोनिक होती हैं ध्वनि तरंगे होती हैं इसमें तरल पदार्थ पर लगाई जाती है जिसे निष्फल किया जाता है ये अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं जो स्पीडोन और तन्नता बलों का एक विकल्प उत्पन्न करती हैं जो घोल में गुहाएं बनाती हैं और ये अचानक ढह जाती हैं जिसमें सूक्ष्म रिक्तियां बनती हैं और कंटेनर से सूक्ष्म जीव निकाल लिए जाते हैं दूसरा क्या है आंशिक बांधीकरण ठीक है तो जो फ्रिक्वेंटियल स्टरलाइजेशन होता है इसको भी पढ़ लेंगे इसको फ्रिक्वेंटियल आइसोलेशन कहते हैं स्टरलाइजेशन कहते हैं इसमें आंशिक नसबंदी या टेंडलाइजेशन एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग जिलेटिन या चीनी युक्त तो मीडिया के लिए किया जाता है जनरली आप देखते हैं कि तीन दिनों तक ट्वेंटी मिनट के लिए सौ डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है ठीक है केमिकल्स मेथड है यहाँ पे जैसे स्टरलाइजेशन की केमिकल मेथड्स को पढ़ेंगे इसमें जैविक नमूनों और प्लास्टिक उपकरणों के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञान में जो स्टरलाइजेशन की केमिकल विधि है उसका उपयोग किया जाता है जो प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं उसके लिए ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना प्रेजेंट रहे ठीक है इस विधि में कई रसायन जीवाणुनाशक एजेंट के रूप में काम करते हैं दो प्रकार से हो सकते एक गैसी होते हैं जिसको गैसेस कहते हैं दूसरा आपके तरल होता है लिक्विड फॉर्म पे होते हैं तो गैसी जो स्टरलाइजेशन होता है इसमें मतलब स्टरलाइजेशन की वह टेक्निक है जिसमें वस्तु को बंद गर्म और दबाव वाले कक्ष से कक्ष में गैस के संपर्क में लाया जाता है जिसके गैस के और ये स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैसीय रासायनिक एजेंटों में एथिलीन ऑक्साइड फॉर्मेल्डिहाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन को इंक्लूड किया गया है गैसेस इंक्लूड की गई हैं फिर दूसरा आपका लिक्विड है इसको भी समझने की ट्राई करते हैं क्योंकि लिक्विड जो स्टरलाइजेशन होती है जिसमें वस्तु तो को तरल पदार्थ में डुबोया जाता है ठीक है लिक्विड जो मटेरियल होता है उसमें डुबोया जाता है ताकि जो सूक्ष्म जीव है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बीजाणु नष्ट ना हो जाए और यह विधि गैसी नसबंदी की तुलना में कम इफेक्टेड है मतलब जो आपकी गैसी स्टर्लाइजेशन उससे कम इफेक्टेड है इसका उपयोग कम स्तर के संदूषण को दूर करने के लिए किया जाता है इसके लिए भी कुछ जो रासायनिक एजेंट है केमिकल एजेंट में जैसे हाइड्रोजन पैरॉक्साइड हो गया ग्ल्यूटारी आइड हो गया हाइप्रोक्लोराइड हो गया इन सबको इंक्लूड किया गया है इसके बाद कोल्ड स्टरलाइजेशन है इसकी भी डेफिनेशन देख लीजिए कि ऐसी टेक्निक होती है ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो रसायन होते हैं फिल्टर विकिरण और उच्च तापमान को छोड़कर किसको रसायन फिल्टर और विकिरण उच्च तापमान को छोड़कर अन्य सभी साधनों की मदद से कम तापमान पर स्टरलाइज किया जाता है यानी कि कम तापमान पर उन उत्पादों के लिए किया जाता है जिसमें गर्मी के प्रति संवेदनशील जो आपकी हीट के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं यानी गर्मी उनको छूट नहीं करती और वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप जाते हैं तो ये इससे हार्मफुल हो सकता है इसके लिए उनको गर्मी के प्रति जो सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है ठीक है इसीलिए कोल्ड स्टलाइजेशन की आवश्यकता होती है इसके कुछ बेनिफिट्स भी देख देख सकते हैं यहाँ पे सस्ते होते हैं जो अपेक्षाकृत सस्ते लेकिन उन लोगों में से सबसे बड़े छोटे छिद्र आकार के होते हैं फिल्टर आसानी से बंद नहीं होते हैं और ये गर्मी के प्रति जैसे मैंने बताया कि ये सेंसिटिव होते हैं बहुत तरल पदार्थों के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि फिल्टर गर्मी का उपयोग नहीं करते हैं और काफ़ी तेजी से बड़ी मात्रा में तरल पदार्थों को फिल्टर कर सकते हैं ठीक है तो ये इसके लाभ भी होते हैं और इसके नुकसान भी हैं कुछ यहाँ पे देखेंगे कि इसके हार्मफुल क्या हैं जैसे कि फिल्टर केवल तरल पदार्थ और जो गैस होता है उस पर ही काम करते हैं किस पे एक लिक्विड एंड जो लिक्विड मटेरियल होता है एंड गैसेस पर ही काम कर सकते हैं ऑटो जनरली निष्पंदन की तुलना में सस्ता होता है क्योंकि फिल्टर को बदलना महंगा होता है जैसे नैनो फिल्टर हो गया अब गैस फिल्टर बहुत भंगुर होते हैं क्या होते हैं भंगुर होते हैं आसानी से टूट जाते हैं और झिल्ली फिल्टर आसानी से टूट जाते हैं फिर इसमें कुछ और भी घोल फिल्टर मौजूद होते हैं सीड्स फिल्टर में तो ये इसके बेनिफिट एंड इसके हार्मफुल हो गए इनको भी आप जब तक लिखेंगे नहीं क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम जो मैं लेक्चर दे रही हूँ स्टेटलाइजेशन टेक्निक का तो मैं भी अभी बिकॉज आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बेस्ड था ये क्वेश्चन इसलिए मैंने इसका लेक्चर बनाया वैसे तो मुझे एक बार अभी समझ नहीं आया क्योंकि मुझे भी रिविज़न करना पड़ेगा एज़ ए स्टूडेंट सो आपको भी रिविज़न करना है इसको नोट डाउन करना है साथ ही अच्छे से इसकी टेक्निक पढ़ना है केमिकल एंड फिजिकल दोनों मैथड्स को कम्प्लीट करनी है अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है देन तो प्लीज़ टू तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो